सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इस घंटी को दबा दो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि बाइकुला से एमआईएम पार्टी हारेगी और एजाज खान जीतेंगे, क्या वास्तव में ये सत्य होने वाला है? तो आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, इसकी तह में चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में एमआईएम पार्टी पहली बार बाइकुला से चुनाव लड़ी और एमआईएम पार्टी से बारिश पठान को टिकट दिया गया था और बारिश पठान 2014 में कामयाब हुए। अब 2019 में फिर से एमआईएम पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ रही है और बारिश पठान को ही फिर से टिकट दिया है। लेकिन 2014 और 2019 में बहुत ही कुछ बदल चुका है, बहुत ही अंतर है, और वो ही अंतर जो है एमआईएम पार्टी के लिए खटक रहा है कि वास्तव में एमआईएम पार्टी कहीं हार ना जाए बाइकुला से। तो मैं आज आपको बताता हूँ वो क्या है। जैसा कि 2014 में जीतने के बाद वहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि बारिश पठान यानी एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया है, यानी विकास करने में एमआईएम पार्टी और बारिश पठान नाकाम रहे पिछले 5 सालों में, जिससे कि वहाँ की जनता कह रही कि अब हम जो है अपना लीडर कोई और चुनेंगे। तो इसकी सबूत भी मैं आपको देता हूँ, असदुद्दीन उवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, कल ही उन्होंने बाइकुला का दौरा किया और वहाँ पर अपनी जनसभा को संबोधित किया। तो असदुद्दीन उवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने, जो दूसरे एमपी हैं एमआईएम पार्टी के, उन्होंने कबूला है कि बारिश पठान से विकास नहीं हो पाया है, उससे गलतियां हुई हैं। असदुद्दीन उवैसी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि बारिश पठान इतना विकास नहीं कर पाया है, उससे विकास नहीं हो पाया है, उससे गलतियां भी हुई हैं। वो एक वकील है, ना कि सियासतगर, मतलब सियासत में पहली बार आया है, अभी उसे इतनी नॉलेज नहीं है विकास करने की। और असदुद्दीन उवैसी साहब ने कहा है कि जो भी विकास, जो भी काम नहीं हो पाया है पिछले 5 साल में, लेकिन आप अब की बार मेरे भरोसे पे, असदुद्दीन उवैसी साहब के भरोसे पे, मेरे भरोसे पे आप वोट दीजिएगा मजलिस को और दोबारा से बारिश पठान को कामयाब करिएगा। मैं 1 महीने के अंदर अंदर फिर से यहाँ पे दौरा करूँगा और जिसके काम नहीं हुए हैं उनके मैं काम करवाऊँगा। असदुद्दीन उवैसी साहब ने भी इस बात को कबूला है। इम्तियाज़ जलील साहब ने भी यही कहा है कि बारिश पठान एक इंसान है, फरिश्ता नहीं है, उससे गलतियाँ हुई हैं, हम मानते हैं गलतियाँ हुई हैं, विकास नहीं हो पाया है, लेकिन आप अबके एक बार और कामयाब करिएगा इंशाअल्लाह, जिसके भी जो काम अटके हुए हैं हम सारे काम कराएंगे उनके। तो एमआईएम पार्टी ने खुद भी ये बात कबूली है कि वास्तव में यहाँ पर बारिश पठान से जो है जिस तादाद में लोग विकास मांग रहे थे उस तादाद में विकास नहीं हो पाया है, लेकिन एमआईएम पार्टी देश में बहुत विकास कर रही है। अब दूसरी तरफ चलते हैं एजाज खान को लेकर। आखिरकार एजाज खान मुमरा कर रहे थे, मुमरा से टिकट ले रहे थे, मुमरा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अचानक ही एजाज खान ने निर्दलीय जो है बाइकुला से टिकट, यानी बाइकुला से निर्दलीय पर्चा क्यों भरा? तो इसके पीछे भी एक वजह है, वो वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। एजाज खान ने मुमरा से इसलिए चुनाव के लिए पर्चा नहीं भरा क्योंकि वहाँ एमआईएम पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी और 80% मुस्लिम जो है जनसंख्या है, वोटर्स हैं। एजाज खान चाहते तो जीत जाते, लेकिन एजाज खान ने बाइकुला को इसलिए चुना क्योंकि बाइकुला की जो आवाम है वो बारिश पठान से पूरा परेशान हो चुकी है। उन पर ये आरोप लगा रही कि बारिश पठान ने कोई काम नहीं किया बाइकुला में और यहाँ के लोगों को सिर्फ गुमराह किया है। इसलिए एजाज खान ने सोचा कि वहाँ पे पहली बार एमआईएम पार्टी लड़ रही है तो वहाँ तो मुझे सीट निकालना महंगा हो जाएगा, लेकिन बाइकुला में जो है बारिश पठान पर काफ़ी बगावत हो रही है, उनके खिलाफ जो है लोग हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ और मेरी भी इमेज कुछ इस तरह की बनी हुई है, एजाज खान की इमेज कुछ मुस्लिम कट्टरवादी होने की और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने की इमेज बनी हुई है, और वो उठाते भी हैं आवाज़, ये सच्चाई है, आप सब लोग जानते हैं। वो कोई नेता उता नहीं है, फिर भी वो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के लिए अच्छे बंदे हैं। एमआईएम पार्टी को टिकट भी देना चाहिए था उन्हें, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। तो एजाज खान ने इसी कारण बाइकुला से पर्चा भरा क्योंकि बाइकुला में जो है बारिश पठान विकास करने में नाकाम रहे और लोग उन्हें त्याग रहे हैं, एमआईएम पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिससे एजाज खान वहाँ से लड़ेंगे तो एजाज खान जीत जाएंगे। अब देखते हैं, असदुद्दीन उवैसी साहब ने जो है अपने ऊपर वोट मांगे हैं बाइकुला में कि आप बारिश पठान को ना देखकर मुझे देखकर वोट दीजिएगा कि मैं लड़ रहा हूँ यहाँ से चुनाव, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे एजाज खान की भी अच्छी पकड़ है क्योंकि वहाँ के लोगों का जो माहौल है वो बिल्कुल चेंजेस है, लोग कहते हैं कि विकास चाहिए हमें, ना कि एमआईएम पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी। तो अब देखते हैं एजाज खान कितना विकास करेंगे अगर जीतते हैं तो, और अगर हारती है एमआईएम पार्टी तो एजाज खान भी बहुत मुश्किल से कामयाब होंगे। तो यही है कि एमआईएम पार्टी के लिए एजाज खान का खड़ा होना वहाँ से नुकसान है और दोनों ही लोगों को नुकसान होगा,
इजाज खान को भी नुकसान होगा और एमआईएम पार्टी को भी नुकसान होगा। लेकिन ना ही असुद्दीन ओवैसी साहब और ना ही इम्तियाज जलील साहब ने पूरी स्पीच में अपनी इजाज खान का कहीं नाम नहीं लिया। तो आप समझ रहे हैं कि इजाज खान बैठ भी सकते हैं या फिर एंड तक रहे, तो इससे एमआईएम पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा और एमआईएम पार्टी हार जाएगी और शिवसेना, बीजेपी और जो अन्य दल हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करें।